हेलो गाइस, एक्यूटिव एग्जाम्स को लेकर एक्यूटिव ने अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया। दो नोटिस है तो दोनों नोटिस इंपॉर्टेंट है, तो क्या पूरी एग्जाम्स को लेकर अपडेट सभी छात्र जरूर देखें। एक्यूटिव फेज वन और फेज टू के लिए अपडेट है, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या पूरी एग्जाम्स को लेकर आज की दो नोटिस है। जो पहली नोटिस में दिया गया कि एक्यूटिव जो दो फेज वन का और 2021-22 का जो सेमेस्टर एग्जाम्स होने, सब सेमेस्टर एग्जाम्स उसमें दिया गया कि जो न्यू परीक्षा यानी कि जो नए स्टूडेंट हैं उनको छोड़कर और उसके अलावा जो जो सभी स्टूडेंट हैं अन्य सभी वर्षों में अध्ययन रेगुलर तथा कैरियर वाले स्टूडेंट हैं सभी के फाइनल और अंतिम फाइनल परीक्षा शेड्यूल यानी केवल 9% को छोड़कर जितने सारे स्टूडेंट हैं बाकी सभी वर्षों के छात्रों के एग्जिव ने फाइनल शेड्यूल एक तो नोटिस में जारी कर दिया। उसके अलावा एक नोटिस और है, तो आप लोगों का जो एग्जाम्स होगा 4 जून 2022 से 25 जून के बीच होगा, ऑफलाइन होगा और फाइनल लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी लिंक, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी नोटिस है उसमें यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जो एग्जिव का एग्जाम सेमेस्टर हो रहा है, सम सेमेस्टर एग्जाम्स हो रहा है उसमें न्यू परीक्षित तथा द्वितीय सेमेस्टर यानी कि द्वितीय सेमेस्टर के बीटेक और फार्मा के फोर्थ सेमेस्टर में जो स्टूडेंट हैं बाकी जो फेज वन में स्टूडेंट आते हैं यानी फेज वन में 3rd या 4th ईयर के आते हैं और बाकी जो न्यू परीक्षित को छोड़ दीजिए, उसके अलावा बीटेक बीफार्मा के फोर्थ और सेकंड और फोर्थ को छोड़ दीजिए, सभी सभी छात्र जो है फेज वन में आते हैं। तो सभी छात्रों की जो एग्जाम फाइनल लिस्ट थी, सेंटर लिस्ट थी, उसको पहले डिटेन जो सेंटर लिस्ट थी एग्जीक्यूटिव ने उसको भी जारी कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ दिन पहले जो सेंटर लिस्ट जारी किया गया उसमें संशोधन किया गया, तो आप लोग अपनी सेंटर लिस्ट देख लीजिए कि आपका संशोधन हुआ कि नहीं हुआ है, उसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ सब देख सकते हैं आपका जो शेड्यूल है आपका जो सेंटर लिस्ट है आपको यहाँ से मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो आप लोग जाकर देख लीजिए, कोई डाउट कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट आती है मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा, तो अभी रिजल्ट आपका नहीं आया है लेकिन चांसेस तो यही हैं क्योंकि एक्यूटिव बिजी है, इसने डिले नहीं होना चाहिए था। एक्यूटिव को अब एग्जाम्स कराने पर सारा फोकस है और प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल है, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, जैसे कोई अपडेट आती है रिजल्ट को लेकर मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा।